हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकंड टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। हमने अभी तक हमने प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या होता है, कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स के, हमने ये सब पढ़ा था डिटेल में लास्ट वीडियो में। अब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं उसका बेसिक डिफिनेशन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड द ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दियर पेरेंट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूज़ क्यों होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो पॉपुलेशन मीन्स कि वो मोड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका गैमेट फ्यूज होता है, देन फॉर्मेशन होता है जायगोट का फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, प्यूबर्टी पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ये तीन टॉपिक। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्शन में ह्यूमन के जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वही जो सिस्टम होता है वही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसमें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, सभी जानते हैं कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 46 टोटल होते हैं और पेयर में 23 पेयर होता है। और जब अगर कॉपी क्रोमोसोम के नंबर्स अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उससे एक नए टाइप के जेंडर बन जाते हैं। ओके, जनरली दो ही जेंडर होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, और ओवरी ओवम प्रोड्यूस करती है। ओके, तो स्पर्म का जो संख्या होता है वो एन होता है और ओवम के एन होते हैं। तो एन एन जब फ्यूज होते हैं तो टू एन बनाते हैं, दैट मीन्स जायगोट बनाते हैं। जायगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, और स्पर्म और ओवम हैप्लॉयड होता है। इनमें मियोसिस का होता है, मियोसिस होता है, तो मियोसिस में इनके जो नंबर्स होते हैं वो टू एन से एन हो जाते हैं, बट इसके बाद जो इनके गैमेट फिर फ्यूज होते हैं तो ये टू एन बन जाते हैं, फिर इनका हाफ होता है, डिविजन होता है, तो ये फिर एन एन बन जाते हैं। तब हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, प्यूबर्टी क्या होता है ये सब पढ़ा जाएगा। प्यूबर्टी के बारे में आउटलाइन में जान लेते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज होता है जो कि किसी को भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने से पहले का जो स्टेज होता है वही क्या कहलाता है, प्यूबर्टी कहलाता है। जैसे प्लांट के केस में हम लोग जुवेनाइल फेज पढ़े थे, वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज, वही एनिमल के सेंस में प्यूबर्टी कहलाता है। मींस कि जब उनकी बॉडी ग्रो करने लगती है तो नए नए उनके अंदर फीचर्स डेवलप होते हैं, तो नए फीचर जो डेवलप होते हैं वो किस लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने के लिए जो नए फीचर्स डेवलप होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वही क्या कहलाता है, उसी स्टेज को प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, प्यूबर्टी में क्या क्या होता है, जैसे कि प्यूबर्टी में अचानक हाइट जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, और जो हेयर्स होते हैं हेयर्स निकल आते हैं सेक्सुअली ऑर्गन्स के तरफ, और कई मतलब कि जैसे ब्रेस्ट जो होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, हिप्स वाइड हो जाते हैं, ये सब जो है बेसिकली आउटलाइन है प्यूबर्टी के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये टू पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है कि जो प्रोड्यूस करता है जर्म सेल को और जो डिलीवर करता है जर्म सेल को, कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन के साइड पे, डैट मीन्स ओवरी के पास जो डिलीवर करता है। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, एक प्रोड्यूस करने वाले और एक डिलीवर करने वाले। तो प्रोड्यूस जो करता है वो क्या करता है, गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के थ्रू। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, स्क्रोटम। ये क्या होता है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल के लिए, और ओवरी जो होता है वो फीमेल के लिए होता है।
तो स्क्रोटम कैसा होता है? स्क्रोटम जो होता है बैग लाइक पाउच होता है, बैग लाइक एक पाउच होता है जो कि एब्डोमेन के बाहर होता है। एब्डोमेन पार्ट किसको कहते हैं? स्टोमक के नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं। तो स्क्रोटम जो होता है वो बैग लाइक पाउच होता है और एब्डोमेन के बाहर होता है। इट रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। यह टेम्परेचर को क्या करता है स्क्रोटम? टेस्टिस से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम करता है। अब देखिए ये एब्डोमेन के बाहर क्यों होता है, आउटसाइड क्यों होता है? जनरली क्वेश्चन पूछता है कि स्क्रोटम बॉडी के आउटसाइड क्यों होता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन स्पर्म को अपना मतलब कि उसको अपने लिए डेवलपमेंट करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए होता है कम से कम 23 डिग्री 23 24, ऐसे ही समथिंग इसी के आसपास उसे टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये तो उसे बॉडी में मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका जो होता है ग्रोथ डेवलपमेंट वो बॉडी के बाहर होता है। ओके, तो ये जो ऑर्गन होता है ये बॉडी के बाहर होता है। और टेस्टिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और ये प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है। अब इसके बाद हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था क्या था? प्राइमरी टेस्टिस था। सेकेंडरी में हो जाएगा वॉस डिफरेंस एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में आपके आ जाएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगा, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड आ जाएगा। ये सब कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि आपके एसेसरी ग्लैंड्स होंगे। यूरेथ्रा, पेनिस, ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो फिजिकली एंड इंटरनली जो चेंजेस होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है। जैसे कि होता क्या है कि आप लोग देखते होंगे कि किसी किसी की आवाज़ बहुत फड़फड़ाने वाली होती है। ओके, इस एज में मतलब कि जब टीन एज होता है तो आवाज़ें जो होती हैं फड़फड़ाती हैं, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पिच होता है वॉइस का वो बहुत ही लो हो जाता है, और किसी किसी की आवाज़ बहुत सुरीली होती है गर्ल्स में हाई पिच की वजह से। और देख दोगे कि किसी किसी की दाढ़ी मूछें आ जाती हैं, तो किसी का सीना बहुत चौड़ा रहता है। ये सब कुछ मतलब एग्जांपल्स हैं जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन रेगुलेट करता है। ओके, तो और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या रेगुलेट करता है? वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को रेगुलेट करता है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और अपीयरेंस जो होता है वो भी पर्सन के अपीयरेंस को वो भी चेंज करता है। तो ये दोनों ऑर्गन्स जो हैं ये दोनों किसी भी ह्यूमन के अपीयरेंस को, पर्सनैलिटी को चेंज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिगर। अगर फिगर बना लोगे आप लोग तो सबको समझ में आ जाएगा। ये कुछ फिगर है इसका हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सबसे ऊपर ये जो दिख रही है ये आपका क्या है? वास डिफरेंस है, और ये एपिडाइडमिस है। ओके, ये एपिडाइडमिस है, ये किनारे किनारे एपिडाइडमिस है, और ये जो है टेस्टिस है, ये एपिडाइडमिस है। तो स्पर्म जो होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ से होते हुए एपिडाइडमिस में जाता है, फिर वास डिफरेंस जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर वास डिफरेंस से ये आते हुए ये यहाँ पे इसकी कुछ ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड ये मिडिल में है, और ये जो है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, और नीचे जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये ग्लैंड्स होते हुए ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब यहाँ पे इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरेथ्रा है और ये पेनिस है। तो ये यूरेथ्रा से होते हुए आउटसाइड हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। कहाँ पर रिलीज़ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिलीज़ होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपकी जर्नी, ये मतलब कि स्पर्म की जर्नी। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, फिर एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, फिर होते हुए यूरेथ्रा से आते बॉडी के बाहर हो जाते हैं। ओके, तो इसमें कुछ फंक्शंस इनके हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स है, ये क्या करता है? ये फ्लूइड जनरेट कराता है। फ्लूइड मतलब जितने भी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड होते हैं, वो फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, उसके नॉरिशमेंट के लिए, ताकि अब देखो कोई भी जर्नी करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, उसे न्यूट्रिशन चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज तो वो डेड हो जाएगा, या तो चल ही नहीं पाएगा, बीच रास्ते में रुक जाएगा। इसलिए इसको एनर्जी और न्यूट्रिशन के लिए ये सब कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लूइड निकालते हैं, फ्लूइड मतलब रिलीज करते हैं, जिससे ये अपना पूरा जर्नी कंप्लीट करता है। तो सेमिनल वेसिकल्स भी फ्लूइड निकालता है, जिसको कि ये फूड के स्पर्म के लिए होता है। ओके,
अब इसके बाद हम देखते हैं सीमन क्या होता है। सीमन जो होता है ये फ्लूइड और स्पर्म के मिक्स को ही हम सीमन कहते हैं। स्पर्म में जब फ्लूइड मिक्स हो जाता है तो ये सीमन कहलाता है। यूरेथ्रा ऑफ मेल इज द कॉमन, और ये यूरेथ्रा जो होता है यहीं से यूरिन का भी ट्रांसफ़र होता है और यहीं से किसका ट्रांसफ़र होता है, स्पर्म का होता है। ओके।